वाह, यहाँ से हमारे वीरे दी जो यहाँ से कुटिया मान लिया या ये रूम, इससे बाहर निकलते और जानते क्या है बाहर। ओहो ओह, मेरा क्या बात है भाई, जबरदस्त व्यू है और बारिश भी आई हुई है यार। ये इसका बाहर से हॉस्टल है, बारिश आई हुई है, अभी फ़िलहाल बारिश आ ही रही है और आपको आवाज़ मेरी ज़बरदस्त सुनाई दे रही होगी फ़िलहाल बारिश का मौसम। सो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं फ़िलहाल हूँ के यूनिवर्सिटी, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पे हॉस्टल में। और ये देखो, सबसे पहले दिखाता हूँ, ये अपने भाई का रूम है, रूम नंबर, सॉरी आपको बैग से दिखाना पड़ेगा, दिखाना रूम नंबर 9 और साथ में लिखा हुआ है SPA SFI। यहाँ से स्टडी फर्स्ट स्ट्रगल मस्ट SFI अगेन वापस लिखा हुआ है। तो हॉस्टल वाले इतना प्यारा शब्द लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या दिनेश पढ़ने वाला है? चलो सोच लो। इसके रूम में हूँ मैं और नहा धो के आ जाता हूँ, फ्रेश होके चलते हैं। देखो, कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो में थोड़ी सी मैं कहूँगा आवाज़ ज़बरदस्त आ रही होगी आज वाली वीडियो में, क्योंकि अब देखो अपन ने माइक सेटअप वगैरह सब कुछ कर लिया, अब आपके पास में ज़बरदस्त आवाज़ के साथ में। यहाँ से देखिए, आज मेरा प्लान है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा बहुत व्लॉग बनाऊं, तो जितना घूम चुकाऊंगा उतना भी बनाऊंगा, उसके साथ में अलग से कुरुक्षेत्र में जो जो हम जगह देखने वाले हैं उनका व्लॉग अलग से आने वाला है। और हमारे जो गाइड करने वाले पर्सन हैं वो देखो अभी सो ही रहे हैं। भाई भाई कितना सोएगा ये मुझे नहीं पता है, पर अभी सो ही रहा है बंदा। ये रूम और उसके साथ में आपको ये चीज़ तो मैं दिखा चुका हूँ, पर यहाँ पे है ना एक चीज़ है, ये जो डिज़ाइन से इसी प्रकार से वन बाई वन रूम सेट कर रखे हैं, इसी प्रकार से थोड़ी रोशनी कम है क्योंकि बाहर बादल वगैरह हो रहे। देखो ऐसे ही डिज़ाइन में तैयार कर रखे हैं यहाँ पे, देखो देखो देखो, एक ऐसे ही डिज़ाइन में लगभग आपको रूम मिल जाएगा, मतलब एक छोटी सी जगह में सेट कर रखा है। और क्यों कर रखा है आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि एक बंदे के लिए एक रूम है तो यहाँ पे फ़ायदा भी होता है यार कि छोटी सी जगह में जितना उसके सब कुछ सेटअप करके। तो जिस प्रकार से यहाँ पे सेट है इस रूम में देखिए, ऊपर यहाँ पे एक अलमारी टाइप में इन्होंने दे रखा सामान रखने के लिए, अपना सामान, पर्सनल सामान। फिर यहाँ से पढ़ने के लिए दे रखे, यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह है और यहाँ पे एक और है ये, और ऊपर आप इमेज वगैरह लगा सकते हो, जैसे हमारे भाई ने बड़ी प्यारी प्यारी इमेज लगा रखी है भगत सिंह जी की, प्रेरित है उनसे। और उसके बाद में सैड सीन का ज़बरदस्त व्यू है बाहर की तरफ से, और ये इनके मतलब यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे ये है रोज इनके पास में, और ये नीचे भी सो सकता है, और इसके पास सोने के लिए यहाँ से तकत भी है अगर इस पे सोना चाहे तो। आज आपको मैं ना स्पेशली जो चीज़ भी दिखाऊँगा वो शो करके दिखाऊँगा, आज अपने मतलब बताऊंगा कम, शो करके ज़्यादा दिखाऊंगा, उससे मेरे लिए नाम का जो नाम लूंगा जो मेन जगह होगी उसका, ठीक है। ये द हॉस्टल का मेन स्टार्ट है जो ये सी ब्लॉक है इसका, और साइड में भी और हॉस्टल हैं बहुत सारे, और हमारे इस भाई साहब का पेपर है तो विश बेस्ट ऑफ लक। और हमारे खतरनाक खिलाड़ी भी उठ गए हैं, हल्के हल्के हाथों से आके पहुँचते हुए देख रहे हैं बारिश आ रही है, और हम लोग यहाँ से गेट से बाहर निकल के जा रहे हैं। था वैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी घूमने का, पर क्या करें, बारिश थोड़ा तंग कर रही है, शायद मुश्किल होने वाला है बारिश, पर जो जो देख रहा हूँ अभी वो तो दिखा देता हूँ। ये एक और हॉस्टल का ही है, ये है CH रणबीर सिंह भवन, मतलब ऐसे भवन टाइप में इन्होंने बना रखे हैं, तो इधर भी एक भवन होगा, उस साइड भी भवन होंगे, भवन है अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो, मतलब हॉस्टल है ये के यूनिवर्सिटी के। आप सभी के सामने प्रताप भवन, और ये हॉस्टल से शायद ये बॉयज़ हॉस्टल से बाहर निकलने का, अलग अलग यहाँ पे है ना हॉस्टल है, वैसे कोई लोकल एरिया के मतलब जो आसपास के हैं उनके लिए है, कहीं विदेशी लोगों के लिए विदेश, उसके साथ में कई साउथ वेस्ट इनके लिए भी हैं, तो सभी के लिए अलग अलग बनाया हुआ इन्होंने, और उनको मेरी बातें समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखो बस। हमारे जो टूरिस्ट गाइड हैं दिनेश कुमार,
उनसे हम सलाह लेते चलेंगे और जानते जाएंगे कौन सी जगह क्या है। तो अभी जो ये है ना, ये यहाँ की मार्केट है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये मार्केट बनी हुई है। ये सामने ये लिखा भी हुआ है, इन्होंने कोई स्कूल वगैरह भी भाई पता नहीं कौन सा है, सेकेंडरी स्कूल भी क्या इसी के अंदर बनाया हुआ क्या। उसके बाद ये कौन सा है, साइड में चलते जा रहे हैं ना, जो ये रास्ता है, ये इधर से इधर वाला रास्ता, इसके साइड में ये बायोलॉजी वाली बिल्डिंग है, इसके साइड में जस्ट पड़ रही है। और सामने एक और बोर्ड आ गया, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, तो ये भी है, ये है साइड में बना हुआ, इसके वही लिखा हुआ ऊपर, और ये बिल्डिंग वगैरह है जो बायोलॉजी की है। इन्होंने वैसे नीचे भी यार इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, वो डोगी जो घूम रहा है अभी। तो अभी हम बाहर ही निकल रहे हैं, वैसे ये गेट 3 से बाहर निकलेंगे जिसके हम इंट्री करे थे। ये है E29 to E30, मतलब इधर ये क्या है, मतलब यहाँ पे टीचर्स के लिए क्वार्टर बनाए हुए हैं, कोई भी आके नहीं रह सकता है यहाँ पे मेरी तरह, यहाँ पे ओनली टीचर्स रह सकते हैं। तो मैं कभी टीचर बन के आया तभी रहूँगा, अभी कोई प्लान नहीं मेरा। तो जो भूल जाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, अंदरूनी तकलीफ़ें हैं और पागल हो जाते हैं, वो इनके लिए है, मतलब ये स्मॉल एनिमल हाउस फैसिलिटी है, कोई अगर तंग है अपनी लाइफ से तो इसमें आकर रह सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, सच में मत आ जाना। ये सामने आप सभी के है अभी मौजूदा टाइम में लॉ डिपार्टमेंट, जहाँ पे मुलजिमों को इंसाफ दिलाने के लिए अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, ताकि आप जैसे मुलजिम बनेंगे, अरे मेरे जैसे मतलब, और फिर वहाँ पे सुधारने के लिए यही आएंगे, बचाते रहेंगे, पैसे खाते रहेंगे। तो ये वो डिपार्टमेंट है, और इस पे लिखा भी हुआ है ला, क्या ये डिप्टी ऑफ ला, इंस्टीट्यूट ऑफ ला, ये जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब मेनली DPT जो लिखा हुआ है। और आगे अपना सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट है, धीरे धीरे कदमों से आप यूनिवर्सिटी के गेट 3 से बाहर निकलते हुए, और यहाँ पे फिर से E7 to E12 लिखा हुआ है, जो कि फिर से शायद मुझे लगता है टीचरों का ही क्वार्टर वगैरह है, दारू वाला क्वार्टर नहीं, मतलब रहने वाला क्वार्टर है। मैं ना, आपने देखा होगा मैं कई बार क्लब वगैरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ऐसे ही नॉर्मली इन्होंने टीचर के लिए भी क्लब बनाया हुआ है, और उसके साथ में एक ड्रामेटिक क्लब उधर भी है, जिसके अंदर एक्टिंग वगैरह या जो भी प्रोग्राम वगैरह अटेंड करते हैं वहीं से करते हैं, मतलब क्लब को ज्वाइन करने के बाद में, तो उधर वो है, यहाँ से वो भी क्लब है एक टाइप में। और इधर से एक और इंस्टीट्यूट वगैरह आ गई, तो ये भी बनी हुई है अपनी। हाय भाई, हैं अभी बाहर, बाद में आएंगे तब, एक बार काम है, पेपर है। इंस्टीट्यूट है अननोन, जिसका हमें नहीं पता है। और ये सामने गेट है जिसे बाहर निकलने वाले हैं। तो उधर जो यूनिवर्सिटी वगैरह और भी बड़ी है यार, और भी उधर साइड में है देखने की, जो अभी डिपार्टमेंट वगैरह वो भी देखने को मिला तो देख लेंगे, पर अभी एक बार पेपर दे आते हैं, आकाश के पेपर, उस पर ध्यान देते हैं, तो उसके सेंटर में चलते हैं और उस पेपर दे के आते हैं। आप आएंगे, ये मेन गेट है पीपली यमुना नगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और इसके जस्ट सामने है यूनिवर्सिटी का, जो मैं गेट नंबर 3 बता रहा था, वो वाला जिसके अंदर हम एंट्री करी थी रात को, उड़ान भरी थी, और अभी वापस यहाँ पे आ गए, और फुहारे भी देखो अभी चला रखे हैं, और सामने लिखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, के यूनिवर्सिटी। और आप यहाँ गेट से एंट्री कर रहे हैं अभी फिलहाल, और ये मेन वो जो गेट नंबर 3 है जिससे मैं एंट्री किया था सुबह। गेट आपको पीछे दिख ही होगा यार, साथ में लिखा हुआ श्री कृष्ण द्वार, और इसके साइड में ये मेन गेट का जो व्यू है ये भी ज़बरदस्त आ रहा है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, मस्त लग रहा है। वापस वहीं यार गेट नंबर 3 से वाले से घूम रहे हैं अभी, तो देखेंगे कुछ अलग देखने को मिला तो वो भी देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी में ही, अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में ही, उसके बाद जाऊँगा। मैंने आपको मैच दिखाई, उसके साथ में ये पेड़ वगैरह आपको दिन में अभी मतलब रात के टाइम में नहीं दिख रहे होंगे, वैसे आम के पेड़ हैं ज़बरदस्त यार, मतलब आम भी सुविधा है, खाने में भी ज़बरदस्त था, आपने खाना भी देखा मस्त था। अभी साइड का घूम रहे हैं यहाँ पे, रात का प्लान है जाने का ही, तो देख कर और फिर निकल जाएंगे।
आप यहाँ से निकल, जैसे सुबह मॉर्निंग में सेम वही रूट है, ये गेट नंबर 3 के साथ में। इसके साथ में देखो यहाँ पे एटीएम की सुविधा है, एसबीआई वाला एटीएम है, उसके साथ में लगभग चल ही जाता है। ये डाकघर है, इसके साइड जस्ट में पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है। तो ये साइड में हॉस्टल है ना, ये हॉस्टल है, यहाँ से बॉयज़ हॉस्टल है। और आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो जो देखते जाएंगे बताता जाऊँगा आपको। ऐसे ही हमने डाकघर देखा, उसके बाद में यहाँ से जस्ट है ये नॉन टीचिंग हॉल है, इसके अंदर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो वो होता है। तो ये सामने है और रोड के ऊपर धीरे धीरे। सॉरी, इधर से आप आया और उसके साथ में आप इधर ये है, यहाँ से ये एनआईटी का रास्ता है, जो एनआईटी के जाता है। ये एथलेटिक का है, यहाँ पे एथलेटिक वगैरह यहाँ पे। उसके साथ में ये स्पोर्ट्स भी है, यहाँ पे सारे गेम लगभग खेलते हैं, तो यहाँ पे गेम वगैरह है। और इसके साथ में ये इधर है गर्ल्स हॉस्टल, इधर ये साइड में आगे गर्ल्स हॉस्टल पर जाते हैं। और ये गेम वाला मैंने बता दिया, रात का टाइम है, हम रात को ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना भी है। तो मैं फ़िलहाल आपको जो दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल एक हाईवे टाइप में ही, मतलब बढ़िया रोड वगैरह बना रखा है ना यहाँ। तो उसके साथ में ये देखो मेन है, जिससे चार रास्ते निकलते हैं। और फिलहाल हम आगे निकल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं रोड पे। आकाश का दोस्त है ये, शायद नीरज ब्राह्मण का दोस्त है ना आकाश, नीरज ब्राह्मण बोरे पढ़ा करता ना, तो ये शायद नीरज ब्राह्मण का दोस्त है। यहाँ पे छोड़ गया वो दो तीनों को, गांव से लाया होगा, तो मिल जाते हैं हल्के हल्के हैं। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स हॉस्टल, तो इससे जस्ट ब्रेकर से आगे गर्ल्स हॉस्टल शुरू हो जाएगा, वो कंटिन्यू है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है यार, ध्यान से दिख रहा होगा, लाइट ज़्यादा हो रही है और कैमरे भी शो नहीं हो रहा अच्छे से। तो इधर है ही, इस पर लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल कम्प्लेक्स वार्डन रेस्टोरेंट। तो इधर जाता है रास्ता इस साइड, और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जो इस पार्क को मैंने नाम सुना रिवर पार्क, और उसके साथ में ये क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट साइड से वो नहर जाती है जो ब्रह्म सरोवर के अंदर ही जाती है, सॉरी नहर नहीं, यहाँ पे लिखा रिवर तो नदी जाती है मतलब। और वैसे एक और चीज़ है, क्या है ये वीआईपी गेट है, ये वाला आपको सामने शो रहा है, इसके जस्ट साइड में वीआईपी गेट है। और वैसे एक और चीज़ है, यहाँ से मैं बता रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल के आने के लिए देखो वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बताया, अगर आपको आना है तो इधर से गेट नंबर 2 है, उससे सीधा आप आएंगे तो आप पे भी आ सकते हो सीधा, ये बेस्ट रहेगा। वो वाला थोड़ा ज़्यादा, गेट नंबर 3 ज़्यादा मतलब दूर पड़ जाएगा, तो ये बेस्ट रहेगा। कुछ ऑफिस वगैरह मैं ना आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा। यहाँ से गेट नंबर 2 से आते हैं जस्ट, इसके साइड में एक तो वीसीआर ऑफिस है, और जो सामने इसके अंदर देखो मतलब फीस वगैरह भरनी हो या जानकारी लेनी हो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या कुछ पूछताछ करना हो, तो मेन ये है, यहाँ पे आप आराम से आके पूछताछ कर सकते हो, तो यहाँ पे आ सकते हो आराम से, मतलब इंक्वायरी यहाँ पे होती है जो भी इससे रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी होगा वो साइड में, वो शायद वीसी चांसलर ऑफिस भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार्ड भी ऑफिस भी साथ में लिखे हुए हैं, तो दोनों यहीं पे हैं। और इसके जस्ट ये लाइब्रेरी, इसके जस्ट सामने ये जो आपको धीरे धीरे मतलब अंधेरा है अभी, तो आगे जैसे निकलेंगे आपको दिखाएंगे, वो लाइब्रेरी है। और फिर तेरा डिपार्टमेंट किधर है? हमारा, हमारे इसके अगले चौक। अच्छा, इससे अगले में यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, एमए होटल मैनेजमेंट आर्ट और एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, एग्जामिनेशन विंग का इसका सर। अच्छा ठीक, ये है अगर ओके ना गाना पक्का जाऊंगा। ठीक है, ठीक।
मैं बोलू करना, मैं बोलू करना। अब ये हल्के हल्के कदमों से मैं आगे जा रहा हूँ और ये है लाइब्रेरी, जिसको अगर चांस मिला तो मैं अंदर से देख के आऊँगा, अदरवाइज बाहर से देख के निकल जाएंगे। तो चलो एक बार ट्राई करना बनता है, ट्राई करते हैं। हैं, देखिए यहाँ से अंदर से जितना देखने को मिली आपको लाइब्रेरी, मस्त है वैसे अपने। हाँ ये यार, यार मेरे भाई ने बड़ी मेहनत कसरत करके हमें अंदर लेके गया, झूठ वगैरह भी मतलब ये बोला कि आईडी कार्ड वगैरह कहीं रह गए रह गए, मतलब कोशिश अच्छी की इसने हमें दिखाने की, भैया आपको दिखाने के लिए इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, तो यार इसके लिए लाइक बनता है, बिल्कुल लाइक बनता है। फ़ायदा अपना, मेहनत इसकी थी, अपना भाई मेहनत करेगा तो फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है। जस्ट लाइब्रेरी के सामने यहाँ पे ये पंजाब नेशनल वैसे दिख रहा है, पर ये कौन सा डिपार्टमेंट है रे, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। हाँ कंप्यूटर वाला डिपार्टमेंट है ये, आपको दिख रहा है जो अंधेरा ज़्यादा हो रहा है वैसे, पर ये कंप्यूटर वाला डिपार्टमेंट है। वही कंप्यूटर वाला बी टेक में, किस में है, बी टेक। हाँ ये बी टेक कंप्यूटर, और उसके साथ में जस्ट ये भी है एग्जामिनेशन, वो उधर ये बता रहा है कि इसके जस्ट साइड में ही एग्जामिनेशन बींग्स हैं, वो भी साइड में है। तो ये साइड में लाइब्रेरी के बैक में ये व्यू है, तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं यार, जो जो अपने को देखने को मिल रहा है वो व्यू आप चेक कर रहे हैं फिलहाल। तो चल रहा है अपना क्या ऑडिटोरियम, ये जस्ट इसके साइड में ये गैप है, मतलब एक रास्ता, और इसके जस्ट साइड में क्या है भाई साहब, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम है ये, है ऑडिटोरियम, ठीक है। प्रोग्राम वगैरह यहीं पे होते हैं क्या, अच्छा हमारे भाई साहब का पीछे, इसके जस्ट पीछे शायद यही रास्ता जाता है, होटल मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट इसके जस्ट पीछे है। और आगे धीरे धीरे आप फिर से गेट टू की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद मुझे लगता है बहुत देख चुके हैं आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। यहाँ का ये सबसे ये जो फेमस गार्डन है ये रोज़ गार्डन, मैं सोचा रोज गार्डन, पर ये रोज़ गार्डन है, और रोज़ गार्डन का मतलब यहाँ पे तोता मैना बैठती होंगी, ये आप जानते हैं, तो ये वही है, इसीलिए फेमस है गाइस, यू नो यार। पर आपके दिल की भावनाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं, ऐसी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए ना, आपको पता चले आप दौड़ के आओ कि यहाँ कैसे कहां बैठे, कहां हमें देखने को मिलेगी हरियाली, तो दिस वन यू कम एंड वॉच एंड इन्जॉय एंड क्या वो कूल योर आई एडजस्ट माई इंग्लिश ऑल्सो। तो ये क्या क्या आ गया भाई, ये कहाँ जा रहे हैं अभी, क्या गेट टू में, गेट थ्री में, अच्छा गेट थ्री में, इधर से ही रास्ता हम गेट थ्री के लिए निकल रहे हैं। तो आप रोज़ गार्डन में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्की सुगंध ले रहे हैं रोज़ गार्डन की। ना गेट थ्री पे जाएंगे तो ये ग्राउंड है, और इसके साथ में बीए वगैरह की बिल्डिंग है जो ये सामने आपको शो रही है, बीए की बिल्डिंग है। केयू का वैसे सफ़र हो चुका है, ये भी बने हुए हैं वैसे, इनका यार नाम इस के भी ध्यान में नहीं, मेरे भी, मेरे तो कोई पता ही नहीं है, है? तो आगे आ गया गेट नंबर थ्री, मतलब गेट थ्री वाला रास्ता, आप सीधा जाएंगे, इसको इधर भेजेंगे, हम इधर जाएंगे, शायद ये साथ ही चल रहा है, बाहर तक छोड़ के आएगा तो हम वहाँ चल रहे हैं। चलो गेट से बाहर और इस लोग के अंदर, लगभग इनफ है यार, आपको लगभग बता दिया, इतनी यूनिवर्सिटी है शायद। दोस्तों मैंने काफ़ी यहाँ से, मैं कहूँगा अपनी जान के ऊपर खेल कर यहाँ व्लॉग बनाया है, पुलिस वाले पीछे पड़े पर फिर भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू बनाते रहा, और इसके साथ में यहाँ से कालिया ने मेरी सॉरी दिनेश कुमार ने हमारी बहुत मदद की है, हमारे आकाश भी हमारे साथ में थे, उन्होंने डंडे भी खाए हैं पुलिस वाले से, पर हम लोग सफ़र करते रहे और आपके लिए मैंने केयू यूनिवर्सिटी का व्लॉग बना दिया है। जाओ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और भाई साहब की तरफ से भी राम राम कर दे भाई, राम राम, आकाश की तरफ से भी राम राम, गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक ले जुड़े रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए हमें सब व्लॉग वाली दुनिया को, और जय श्री कृष्णा। मुझे नहीं, व्लॉग में आग लगा दो, व्लॉग में लाइक वाले पे आग लगा दो, सब्सक्राइब वाले पे आग लगा दो, ठीक है, जहाँ लगा उसको लगा दो।